एक प्रश्न आया है बुलंद सर के, एक वकील साहब हैं जो बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं और धार्मिक हैं, उनके एक मित्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक हैं। ओम नमो बुद्धाय क्या है? उन्होंने जो भोट भाषा के अंदर ओम बना रहता है उसका एक चित्र भी भेजा है और जिज्ञासा उनकी काफ़ी ज़्यादा है। जो महासांगिक लोग हैं, खासतौर से जो जिनको तिब्बत का क्षेत्र बोला जाता है या तिब्बत से आगे चीन और चीन से आगे तक, वो महायान की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें 10 नियम नहीं आते। अब तो नियम और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा मैंने महायान और हीयान के अंतर में आपको बताया। वहाँ बोधिसत्व की मान्यता ज़्यादा है, उनका भोट भाषा में एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे ओम मणि पद्मे हूँ, तो वो कई बार ऐसे बोलते हैं, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। ये उनका एक मंत्र और एक जाप है जिसको वो संगीत के साथ में बड़ा खूबसूरत बना के चारों तरफ लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। गाड़ियों के पीछे भी अक्सर आपने कारों के पीछे या बाइक पे जो पंसील के रंग हैं उनमें छपा हुआ भोट भाषा में बैनर देखा होगा, जो उनका बहुत ज़्यादा चलता है और लोग उसको घर घर में जगह जगह लगाते हैं। पाली भाषा के अंदर जो ओम शब्द है या ओमक शब्द है, उसका मतलब है इन्फीरियर या निचली रैंक वाला, जिसका रैंक कम होता है उसको बोलते हैं ओम या ओमक। ऐसा डिक्शनरी के अंदर साफ साफ आज के अंदर दिखाई देता है। ओम जो शब्द है जो वहां लिया, इसका शाब्दिक अर्थ या जो शब्द का अर्थ है वो कहीं नहीं मिलता। ये टंकार वाले शब्द होते हैं, जैसे अंग उंग जुंग पुंग मुंग, इनमें टंकार खुली हुई है। जो ओम शब्द है उसमें टंकार बंद है, जैसे कहते हैं ओम मैं पे आके टंकार बंद हो जाती है। ओ तक टंकार कितनी लंबी आप खींच सकते हैं, जैसे ओ, जैसे ही आप मैं लेके आएंगे आधा मैं है वैसे ही टंकार बंद हो जाती है। मगर जो निगृहित वर्ड है पाली के अंदर या जो बहुत ज़्यादा शब्द चलते हैं जो एशिया के अंदर ऊपर की तरफ, जिसमें अंग चुंग जुंग मुंग पुंग टुंग सुंग, ये जो चलते हैं इसमें टंकार खुली रहती है। जैसे निगृहित जो शब्द है पाली के अंदर उसमें टंकार है अंग बुद्धं, बुद्धम अगर बोलेंगे बुद्धम तो ये संस्कारित वर्ड हो जाता है जिसमें निगृहित हटा के हलंत लगाया गया है, हलंत आवाज को बंद कर देता है। ओम शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है। मणि माने होता है रत्न ज्वेल, और पद्म माने होता है कमल, और अगर पद में कर देते हैं तो इसका मतलब है कमल से, और हूं का मतलब भोट भाषा में संभवतः है, यानी कि ओम मणि कमल से है, ऐसा इसका शब्द है। कमल जो शब्द है जो प्रतीक है वो भगवान बुद्ध के बर्थ का प्रतीक है, यानी जो कमल का फूल है अगर कहीं आता है तो इसका मतलब भगवान बुद्ध के जब पैदा हुए थे तो ये मानते थे कि उन्होंने 7 कदम जो चले वो कमल पे चले, वो उनके पैदा होने का प्रतीक है। वहाँ तालाब में जहाँ उनकी माता है वहाँ रही होंगी, कमल पुष्प वहाँ होंगे, तो वो उनका प्रतीक बनाया हुआ है। पूरी पाली भाषा में या पूरी विपस्ना में कहीं भी ओम शब्द का जिक्र नहीं है, ना ही किसी साहित्य में ओम आता है। भोट भाषा में कहीं ओम का उन्होंने रूपांतरण किया है, किस शब्द में लिया है, कैसे लिया है, मैंने कई बार कई लोगों से जो भोट भाषा के जानकार हैं या जो तिब्बत के भिक्खु हैं जिनको लामा बोलते हैं उनसे पूछा, कोई स्पष्ट जवाब या स्पष्टीकरण वो ढंग से नहीं दे पाए और भोट भाषा मुझे आती नहीं है। मगर ओम शब्द पाली के अंदर सिर्फ शब्द में है, उसका जो उसका एब्रिविएशन बना हुआ है, यानी जैसे ओम करके ऊ बना के लिखते हैं और ऊपर मात्रा लिखते हैं, वो मात्रा भी पाली के अंदर नहीं है। यानी कि जो आन वाली जो मात्रा है, जिसे आँख बोलते हैं, आँख वाली जो मात्रा है ऊपर जो लगती है चांद बिंदु वाली,
वो मात्रा पाली के अंदर नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि ओम पाली का शब्द सिर्फ इतना है कि उसको इन्फीरियर रैंक इन इन्फीरियर या उसको नीचे की अवस्था में बोला जाता है। और बाकी टंकार के लिए कभी विपस्ना में हमें या किसी को भी नहीं बताया गया कि जब आप विपस्ना करें तो आप किसी माध्यम का इस्तेमाल करें या किसी शब्द का उच्चारण करें या कोई शब्द का आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। बेसिकली बुद्ध की विपस्ना में सिर्फ सांस को माध्यम बनाया जाता है, सांस को माध्यम बना के विपस्ना में मन को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए क्योंकि अगर हम किसी और माध्यम को या किसी आवाज़ को या किसी टंकार को, सपोज जैसे मैं यहाँ कहने लगूँ और विपस्ना में बैठूँ और मैं यहाँ अंग की आवाज़ निकाल के बैठूँ या टंग की या मंग की या जंग की, तो मेरा सारा ध्यान उस आवाज़ पर जाएगा, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मन आवाज़ के साथ दौड़ेगा, फिर आवाज़ को हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने जब सारी विपस्नाएँ की, सारी मेडिटेशन किया, तो अंत में उन्होंने जो 11 साल की उम्र में खुद स्वाभाविक रूप से नेचुरल रूप से जो उन्होंने जामुन के पेड़ के नीचे जो विपस्ना की थी वही उन्हें रिकॉल हुई और उसमें उन्होंने अपना सांस देखा और वो गहरे ध्यान में उतरे, तब जाके उन्होंने नाम रूप का, प्रत्यक्ष समुत्पाद का, अभिधम्म का ये सिद्धांत को निकाला बाहर जो नेचर के अंदर पहले से ही था। इसलिए ओम आवाज़ या ओम शब्द में ये कहना कि ये धम्म का है या नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो आधे धम्म के लोग हैं जो उधर की साइड में इसको खूब मानते हैं, खूब इसको जप करते हैं, मानने से या ना मानने से हानि नहीं है। बेसिकली आप कितने शब्द आपने जोड़े या कितने इसमें घटाए, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बात यह है कि आप धम्म को कितना जानते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप धम्म की प्रैक्टिस कितना करते हैं। धम्म शुद्ध रूप में है, उसको सिर्फ देखने के लिए एक अच्छा चश्मा चाहिए, अच्छी आँख चाहिए, एक अच्छा अनुभव चाहिए। वेदनाओं को अगर आप समझ सकते हैं, उनको अगर आप पढ़ सकते हैं, उनको आप अगर बदल सकते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो धम्म आप उतनी जल्दी सीख सकते हैं जितनी जल्दी ग्लास में रखे हुए पानी को आप पी सकते हैं। धन्यवाद।